क्या लग रहा है, क्योंकि हेमा मालिनी आकर कह रही है कि अब इज्जत की सवाल लग गई, बसंती की इज्जत, बसंती का कौन सी इज्जत है? इज्जत तो जो जनता के बीच में रहता है उसकी इज्जत होती है। और कोई अमेरिका का आदमी आकर कहेगा कि हमारी इज्जत के सवाल तो बढ़िया के लोग क्यों बात सुनेंगे? इज्जत सबकी लगी है और हर जाति धर्म वर्ग के लोग इस सरकार की विफलता को देखते हुए अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का मन बना लिया। संज्ञा लोग देते हैं मोदी जी का 56 इंच का सीना। अब यूक्रेन और रूस में जिस तरह से युद्ध छिड़ा है, भारत के नौजवान छात्र वहाँ मेडिकल से संबंधित कितने भी पढ़ाई कर रहे हैं, अब क्या होगा? वो बच्चे आएंगे, मोदी जी को आगे आना चाहिए या 56 इंच का सीना दिखाना चाहिए, क्या कहेंगे आप? उनको आगे आकर के अपने बच्चों को वहाँ से वापस तत्काल ले आना चाहिए, तत्काल ले आना चाहिए। हमारे बच्चे वहाँ परेशानी में है, दुख में है, तो भारत सरकार को तत्काल अपने जहाज से उनको फ्री में बुला लेना चाहिए। आज देखा जाए कि मुख्यमंत्री योगी आने वाले हैं, कहे कि मुख्यमंत्री योगी आएंगे तो बलिया को कुछ इस चुनावी वादे में कुछ मिलेगा या फिर वही वो वादा करेंगे तो उनको रहना नहीं है तो क्या करेंगे? उनको अब घोषणा करके क्या करेंगे? उनको उनकी सरकार तो आ रही नहीं। भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठ बोल रही है लेकिन लोग उनके झूठ को समझ गए, अब झूठ में कोई आने वाला नहीं, जीरो मिलेगा बलिया को। झूठा साबित हुआ है, आज मुख्यमंत्री कोई भी घोषणा करेंगे उसका कोई मतलब नहीं।